वाह ग्रैनी, क्या डिनर बनाया आपने? मुझे वो बता जो मुझे नहीं पता। अरे खाना बनाने में तो मैं चैंपियन हूँ। सच में जाना, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। बिटवा सुन। हाँ ग्रैनी। तेरे लिए एक गुड न्यूज है। आप मुझे क्या नए कपड़े दिला रही हो? अरे कपड़ों से तो तेरा कबर्ड भरा पड़ा है। हाँ बहुत सारे कपड़े हैं। बिटवा जानू, तुम दोनों खुशम खुश हो जाओ। आना जल्दी बताओ क्या गुड न्यूज है, मुझे बहुत जोर के लगे, हागने जाना है। चलो पैकिंग शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने हेलीकॉप्टर पे वर्ल्ड टूर करने जा रहे हैं। वाह ग्रैनी, क्या बात है। बिटवा जल्दी से हेलीकॉप्टर साफ कर दे। ग्रैनी हेलीकॉप्टर पिछले हफ्ते ही तो साफ किया था। उस कलमुहे कौवे ने हेलीकॉप्टर में हक के उसे गंदा कर दिया है। Oh no! बड़ी मुश्किल से बुढ़िया बाहर जाने के लिए तैयार हुई है। ठीक है ग्रैनी, साफ कर दूंगा। अब भाई का मजा बिड़ो, क्योंकि अपन वर्ल्ड टूर पे जा रहा है। अब हम जाएंगे ग्रैनी के हेलीकॉप्टर में। ग्रैनी हम अपने साथ क्या क्या लेके जाएंगे? एक महीने के लिए स्नैक्स, कपड़े, मेरा मेकअप और मुझे बीच के लिए अपनी बिकनियां भी रखनी है। हाँ? अपने ग्रैंडपा के लिए दस्त और उल्टी की गोली और खाना पचाने का चूरन भी रख दियो। पूप बैग भी, वरना हवे में से कहाँ हगाने ले जाऊंगे। अरे क्या तुम भी मेरा नाम खराब करती रहती हो। शट अप, कैमरा भी रख दियो, फोटोज अपलोड कर करके सारी फ्रेंड्स को जलाना भी तो है। लिस्ट इज डन। और बाबू तुम याद से हेलीकॉप्टर की टंकी फुल करवा देना, मुझे ट्रैवलिंग में कोई लफड़ा नहीं चाहिए, वरना तुमको तो मेरा पता ही है ना। ग्रैंडपा। अरे तुम टेंशन मत लो, काम हो जाएगा, मैं टंकी फुल करवा दूंगा। तुमने मुझे बोल दिया तो सोचो काम हो गया। वेरी गुड, जा बिटवा अब सारा सामान जल्दी से रेडी कर दे। ठीक है ग्रैनी, मैं रेडी कर देता हूँ। I'm ready, Granny. अलेले, कितना प्यारा लग रहा है मेरा बिटवा। Thank you. बिटवा सारा सामान रख दिया? हाँ ग्रैनी, मैंने सारा सामान हेलीकॉप्टर में रख दिया है। और बेबी तुम्हें जो काम कहा था वो तुमने कर लिया है ना? फिकर नॉट जाने मन, मैंने सारा काम कर दिया है, तुम बस चलो। देखा बिटवा, मैंने कहा था ना, मैं जो काम भी बोलती हूँ मेरा बाबू झट से कर देता है। हाँ ग्रैनी आपने ठीक कहा, अरे झट से तो ये सिर्फ पूछता है। चलो गाइस टाइम पे निकलते हैं। अरे इस समय कौन आया है? जरा देख तो सही कौन आया है। आइए आइए। अरे ग्रैनी, इन सबको आपने बुलाया है? अरे तुम लोग यहाँ? नानीमा मुझे अपने साथ ले चलो, प्लीज प्लीज मुझे ले चलो। अगर ट्रक होता ना तो उसमें आप सबको लाद के जरूर ले जाते हैं, लेकिन ये हेलीकॉप्टर है ना, जगह बहुत कम है। बिटवा ने बिल्कुल सही कहा, हेलीकॉप्टर में जगह बिल्कुल नहीं है, वरना आप सबको अपने साथ जरूर ले जाते सारी। अरे रोने की एक्टिंग करने का भी कोई फायदा ना हुआ। चलो चलो निकलने का टाइम हो गया है। ओके गाइस, सी यू लेटर। मेरे लिए परफ्यूम ले कर आना। चलो एवरीबॉडी सी यू सून। सो गाइस हियर वी गो। मैं पायलट बुलेट रानी आपका स्वागत करती हूँ। यात्रीगण कृपया अपना दिल थाम के बैठे, क्योंकि आपकी जर्नी बहुत रोमांचक होने वाली है। ग्रैनी आपने हेलीकॉप्टर चलाना कहाँ से सीखा? बिटवा मैंने हेलीकॉप्टर चलाने की ट्रेनिंग ली थी, बीच में प्रैक्टिस छूट गई थी, तो मैंने यूट्यूब ट्यूटोरियल देख के सीखा हाउ टू फ्लाई हेलीकॉप्टर इन 5 days। क्या बात है ग्रैंडपा, कुछ सीखो ग्रैनी से, गाड़ी चला लेती है और हेलीकॉप्टर भी।
अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये सब तो मैं भी चला सकता हूँ। इसमें स्टंट मार के दिखाए तो मैं मानूं। अच्छा बच्चू, बुलेट रानी को चैलेंज, तो फिर ये लो। अरे अरे मजा तो आ रहा है ना। अरे अरे क्या क्या कर रही हो? अरे ग्रैनी बचा। अरे ग्रैनी मिल जाएगा। ग्रैनी क्यों आया ना मजा? जाना मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गई। ग्रैनी मैं तो आपके टैलेंट को पहले ही मान गया था। अरे आपको सबक सिखाना ही था तो ग्रैंडपा को अकेले में सिखा लेते। इसलिए बोलते हैं ग्रैनी को कभी चैलेंज नहीं देने का। आई बात भेजे में? यस स्वीटी। ग्रैनी हमारा नया घर, रोको ना रोको। अच्छा अच्छा ठीक है, सिर्फ दो मिनट के लिए। मगरू भाई। और कैसे हैं भैया जी? अरे वाह, आप हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं? ऑल गुड मगरू भाई। कहाँ जा रहे हैं भैया जी? वर्ल्ड टूर करने के लिए निकले हैं। हमें भी ले चलिए ना भैया जी। मगरू भाई आपको भी ले जाते लेकिन जगह नहीं है। कुछ गिफ्ट लेकर आइएगा हमारे लिए। अपना ख्याल रखिएगा। ओके भैया जी, सी यू। ओके टेक केयर बाय। तेरी तो गप्पे ही खत्म नहीं हो रही थी। ग्रैंडपा घर से निकलने से पहले आप खा कर आए हो ना? हाँ हल्का फुल्का थोड़ा सा खा लिया था। 11 प्लेट ठूसने को हल्का फुल्का नहीं कहते, भुक्कर कहीं का। खूब दबा के आया है बुढ़ाऊ। क्या जाना तुम भी। ओह नो बुढ़ाऊ, अब तूने पादा ना तो तुझे लात मार के हेलीकॉप्टर से बाहर फेंक दूंगी। आज जितना कंट्रोल हो रहा है उतना तो कर रहा हूँ ना, अब बच्चे की जान लोगे क्या? बेटवा खुश हो जा, थोड़ी देर में हम डिज्नीलैंड पहुँचने वाले हैं। अरे वाह ग्रैनी, मिकी माउस, मिनी माउस, प्लूटो। माय चाइल्डहुड ड्रीम इज फाइनली कमिंग ट्रू। अरे वाह ग्रैनी, हम लोग डिज्नीलैंड आ गए। अरे वाह, ये तो सामने फोटोज और वीडियो से भी ज्यादा सुंदर लगे हैं, है ना स्वीट हार्ट? ऐसा लग रहा है जैसे हम सपना देख रहे हैं। लेकिन ग्रैनी ये क्या पहना दिया आपने मुझे? अरे इसको पहन के रखेगा तभी तो डिज्नीलैंड आने का फील आएगा, और वैसे भी इसको पहन के बहुत ही क्यूट बॉय लग रहा है, डरामेबाज कहीं का। थैंक यू। जाना मेरी फोटो तो खींच दो। अरे फोटो तो बाद में खींचवा लेना, पहले पेट पूजा कर लेते हैं, बहुत भूख लगी है। अरे खाने का नाम सुनते मेरे पेट में चूहे कबड्डी खेलने लगे। चल बिटवा कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढते हैं। हाँ चलो। ग्रैनी बहुत भूख लगी है, चलो कुछ खा लेते हैं। बिटवा कुछ तीखा चटपटा सा ऑर्डर कर दे। और कैसे हो ट्विंस भाई? हम तो मस्त हैं बिड़ू, तू कैसा है? वाओ व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अरे आप लोग डिज्नीलैंड में क्या कर रहे हो? बिड़ू ये रेस्टोरेंट अपुनिच का है, जी भर के खाओ मौज मनाओ। अरे वाह क्या बात है। चलो बच्चों हमें कुछ चटपटा सा खिला दो, बहुत भूख लग रही है। खाना? लेकिन खाना तो है इच नहीं। क्या मतलब? जो राशन आया था उसको अपुनिच चट कर गया, कस्टमर लोगों के लिए कुछ बचा ही नहीं है। घर पे मम्मी की पसंद का खाना पड़ता है तो इधर अपुन अपनी पसंद का खाना बना बना के खाते रहते हैं। अरे तुमने रेस्टोरेंट के खुद खाने के लिए खोला है? वैस तो चलो काकी दामशराज खेलते हैं, राशन कल तक आ जाएगा। नकारा निकम्मे नलायक कहीं के, चल बिटवा। अरे, अरे कल तक तो रुक जाओ। बेवकूफ कहीं के, हमारा टाइम भी वेस्ट कर दिया। ग्रैनी इस फूड ट्रक में खाए? हाँ बिटवा चल खाते हैं। एक्सक्यूज मी, माँ के पीछे का, माँ के पीछे का, शाओ कर दो, शाओ कर दो, शाओ कर दो। हाय मिस्टी आंटी, हाउ आर यू? अरे बेचवा चम यहाँ। अरे
ग्रैनी कैसी हो तुम? I'm good, same to you, thank you. तुम यहाँ क्या कर रही हो? पुराना धंधा तो सेट था, सोचा नया धंधा जमाया जाए डिज्नीलैंड में. वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है. मिस्टी बहुत दूर से आ रहे हैं, बहुत भूख लगी है. तू तो अपनी है, मुझे पता है तो हमें तगड़ा डिस्काउंट देगी. है खाई खाओ, 2000 में सिर्फ 20% ही दे सकती हूँ. गरम जली, ये भी कोई डिस्काउंट हुआ? मैं भी ग्रहणी हूँ बच्चू, अभी तुझे बताती हूँ. फूड एक एक करके टेस्ट करा, तब डिसाइड करेंगे क्या खाना है. ओके, ये लो बिरयानी टेस्ट करो, पास्ता टेस्ट करो. अरे वाह, बहुत टेस्टी था, कुछ और चखाइए. ये है डिश ऑफ द डे. ये कुछ जमा नहीं, और कुछ चटपटा सा टेस्ट करा. ये है झाल मुरी. वाह मिस्ट्री आंटी, बहुत टेस्टी है. तो बोलो बोलो बोलो, आप लोग क्या खाएंगे? रानी, मेरा पेट भर गया. मेरा भी बिटवा, चल यहाँ से कट लेते हैं. मिस्ट्री अभी कुछ डिसाइड ना कर पा रहे, चक्कर मार के आते हैं थोड़ा. हाँ, पेट एकदम फुलम फुल हो गया. अभी आते हैं हाँ, सैंपल टेस्ट कराने के लिए. थैंक यू. चलो गाइस. फोकट यहाँ कहीं गए? फोकट में खा के चले गए. भाई साहब, हमारी जरा फोटो खींच देंगे. ओके मैडम. अरे इसमें तो मेरी आंख बंद आ गई. ओहो, क्या करूं इस बुढ़ाऊ का. ग्रैनी, इतने दिनों से हम लोग वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, काश ये हमारा सफर इसी तरह से चलता रहता. हाँ बिटवा, बहुत मजा आ रहा है वर्ल्ड टूर करके, है ना हनी? हाँ बेब्स, बहुत मजा आ रहा है वर्ल्ड टूर करके. अब सवारी चली नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे. बेटवा, अरे क्या हुआ ग्रैनी? हमारे हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो गया है. बाबू निकलने से पहले तुमने टंकी तो फुल करवाई थी ना. ये तो मेरे दिमाग से निकल गया था जाना. बुढ़ाओ, घर से निकलने से पहले जब मैंने तुझे पूछा था सारे काम हो गए तो तूने हाँ क्या बोला था? वो मुझे लगा था तुम खाने पीने और हगने के बारे में पूछ रही हो, वो मैंने कर लिया था. लगता है अब तक ये हेलीकॉप्टर पहले से भरे फ्यूल पे चल रहा है जो कि अब खत्म हो गया है. अरे ग्रैंडपा. बेटवा, लगता है हम लोग नीचे गिरने वाले हैं. ओह नो. अरे ग्रैनी, आपने और ग्रैंडपा ने तो पूरी उम्र देख ली है, इस यंग लौंडे का क्या होगा? बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ. बचाओ, कोई तो हमें बचाओ, हम नीचे गिरने वाले हैं. बचाओ. अरे कोई तो हमें बचाओ. अरे बचाओ. अरे ग्रैनी, अचानक से ये क्या हुआ? पता नहीं हेलीकॉप्टर हवा में कैसे अटक गया. ब्रो ब्रो, ऊपर देखो. ये मुझे कौन बुला रहा है? हे ब्रो, मैं तुम्हारा दोस्त स्पाइडरमैन. स्पाइडरमैन तुम? हाँ मैं. अरे स्पाइडरमैन, प्लीज हमें बचा लो प्लीज. इसीलिए तो मैं आया हूँ, जब मैंने तुम्हें मुसीबत में देखा तो मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गया. यही तो सुपर हीरो का फर्ज है. अरे स्पाइडरमैन, थैंक यू,
थैंक यू सो मच, तुमने हमें बचा लिया। लेकिन तुम्हें पता किस चला कि हम लोग मुसीबत में है? अपने स्पाइडर टिंगल की मदद से, जो मुझे बताता है कि कोई मुसीबत में है। और देखो मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गया। बेटवा, ये वही है क्या जो हमारे घर में आया था, मकड़ी मैन? हाँ ग्रैनी, यही है वो। स्पाइडर बेटा, बहुत बहुत थैंक यू जो तूने हमारी जान बचाई। जुग जुग जियो स्पाइडर बेटा, तुमने मेरी जान बचा ली। स्पाइडरमैन रॉक्स। अरे ये तो मेरा फर्ज है, ऐसा बोलकर आप लोग मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। स्पाइडर हमारी एक और मदद कर देगा बेटा। बोलिए ग्रैनी जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हमारा फ्यूल खत्म हो गया है, कहीं से हमें फ्यूल ला कर दे दे, हमने अपना वर्ल्ड टूर कंटिन्यू करना है। बस इतनी सी बात, मैं फ्यूल लेकर तुरंत हाजिर होता हूँ, आप लोग इधर ही रुकिए। थैंक यू। मैं बस यूँ गया और यूँ आया। अरे स्पाइडरमैन तो बड़ा ही नेक और प्यारा बच्चा निकला। वाह स्पाइडरू। थैंक यू ग्रैनी ग्रैंडपा, आप मुझे इस कमाल के वर्ल्ड टूर पे लेके आए, मजा ही आ गया। थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग जर्नी। बेटवा थैंक यू तुझे और मेरे प्यारे हबी को भी, जिनके साथ मैंने खूब मजे किए। थैंक यू जाना, थैंक यू बिटवा, तुम दोनों के साथ बिताए हुए ये पल मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे वाह बाबू, तुम्हें लग रहा है ना मैं सब कुछ भूल गई, लेकिन मैं कुछ नहीं भूली। क्या मतलब? आज इसकी वजह से हम मरते मरते बचे हैं, ऐसा डंडा मारा है कि जिंदगी भर कुछ नहीं भूलेगा। जान बची तो लाख हो पाए। हाय गाइस, आई होप आपको ग्रैनी ग्रैंडपा और बिटवा के साथ वर्ल्ड टूर करके खूब मजा आया हो। तो फटाफट से मोहक मी चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी दबा दे, ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बेल आइकन भी दबा दें एंड सब्सक्राइब करें टू मोहक मी।